हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेकेंड पार्ट को करेंगे। तो बिहार बोर्ड क्लास 10 2020 में पूछा गया है। अगर आपके पास डिफरेंस सेट्स हैं तो उसका सीरियल नंबर मिला के आंसर पिक कीजिएगा। तो हम पहले पार्ट में 30 नंबर तक क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे, अब 31 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कॉसेक के बराबर है? तो कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। तो 1/sin हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। फिर 32 नंबर है, यदि 2 sin θ = 1 तो 3 cot² θ का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं साइन थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/2 हो जाएगा। तो इसका मान पूछा, इसमें से 3 कॉमन है, उभयनिष्ठ है, निकाल लिए। तो क्या बचा? cot² θ + 1। cot² θ + 1 को हम क्या लिखते हैं? cosec² θ। तो cosec यहाँ से आ जाएगा, साइन का उल्टा कर देंगे तो 2 आ जाएगा। cosec 3 पहले से है, 2 का² = कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 12। फिर 33 नंबर है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी जो होता है क्या होगा? 0। अगर संभव होता, सियोर होता तो 1 होता। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में x² - 2 रूट में है, 2 रूट में है, x बाहर है, -12 का शून्य में कौन से होंगे? हम जानते हैं 12 का ऐसा फैक्टर करें कि ये बीच वाला टर्म आ जाए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 3 = 12। और फिर हमें √2 मिलाना है, तो इसको फैक्टर को √2 में बदलना होगा। तो क्या होगा? 3√2 इस गुना करने पर क्या आएगा? 12 आ जाएगा। 3√2 में से 2√2 चला जाएगा तो कितना? √2 बचेगा। तो इसको हम लिख लिए, x² - 3√2x + 2√2x - 12। यहाँ कॉमन मिल रहा है x निकाल लिए, तो x - 3√2, इस दोनों में कॉमन मिल रहा था 2√2, तो x - 3√2 बचा। ये दोनों में कॉमन ये है, तो इसको ऐसे लिख लिए, ये बाहर है तो इसको लिख लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस में है, इसके शून्य हो जाएंगे, -2√2, इसके हो जाएंगे 3√2। इसमें से कोई आंसर मिला नहीं, तो इसीलिए इसमें से कोई इसका आंसर नहीं होगा, डी हो जाएगा। फिर 35 नंबर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? व्यास को कहते हैं, तो सी हो जाएगा 35 का। फिर है 36 नंबर, इसमें नंबर दिया हुआ, इसका बहुलक पूछा है, तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार हो उसका बहुलक हो जाएगा। 7 इसमें 3 बार है, तो इसका बहुलक 7 हो जाएगा। फिर है 13-19 के बीच समांतर माध्य निकाले, तो इसको क्या होगा? a + b/2 फार्मूले से निकाल लेंगे। तो 13 + 19/2 क्या हो जाएगा? 32/2 = 16। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है मेरा, यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो, मूल बराबर कब होगा? जब इसका विवेचक 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b², यहाँ b के जगह पे क्या है? -p का² - 4 इंटू a कितना है इसका गुणांक? 1 × c = 4 = 0। तो p² + ± कितना आ जाएगा? 4, बी ऑप्शन होगा। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि a और b अभाज्य संख्या हो तो इसका लघुत्तम होता होगा, अभाज्य संख्या का लघुत्तम क्या होगा? क्योंकि इसमें कुछ कॉमन होते ही नहीं है, डायरेक्ट क्या होता है? दोनों का गुणनफल, गुना कर देते, तो ए भी हो जाएगा। फिर है बिंदु xy की दूरी मूल बिंदु से होगी, मूल बिंदु कहते हैं 0 0 को, इससे इसकी दूरी क्या होगी? x - 0 का स्क्वायर + y - 0 का होल स्क्वायर / √100। तो कितना हो जाएगा? x² y² हो जाएगा, बी होगा ऑप्शन। फिर है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई निकाले। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिसकी तीनों साइड भुजा बराबर होती है, तो इसकी ऊंचाई निकालनी है। जैसे ऊंचाई यहाँ मान लिए AD, तो ये आधे आधे बार पार्ट में बढ़ जाएगा, तो ये 6 6, तो ये क्या हो गया? लंब हो गया, ये कर्ण, ये आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6√3। यहाँ सॉल्यूशन किया हुआ है, आप देख लें। फिर 42 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, समीकरण दिया हुआ है 3x - y = 5 तथा 6x - 2y = k के कोई हल नहीं है। तो कोई हल कब नहीं होंगे? जब पहला दूसरा बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो। ये दोनों लाइन क्या होना चाहिए? कोई हल नहीं के लिए समानांतर होना चाहिए। तो
तो इसका गुणांक बटा इसका गुणांक 3/6, इसका गुणांक -1, इसका -2, -1/-2, इसका कितना है 5/k हो गया। ये दोनों बराबर है, 1/2, 1/2, दोनों में से किसी एक के बराबर कीजिए ये, तो k का मान कितना हो जाएगा, k × 1 इधर 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। 43 नंबर है, भूमि से 100 मीटर ऊंचाई तथा 60 डिग्री उन्नयन कोण पर उड़ रही एक पतंग का हमें क्या निकालना है, डोरे की लंबाई। तो भूमि से कितना है, 100 मीटर पे है, कितना डिग्री बनाना है उन्नयन को नीचे से धागा 60 डिग्री का, तो ये डोरी निकालना है, डोरी पतंग की डोरी की लंबाई। तो क्या हो जाएगी, इसको अगर हम कर्ण मानते हैं, इसको लंब, इसको आधार, तो हम जानते हैं कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा, कौशेक थीटा कितना है 60 डिग्री, कौशेक 60 का वैल्यू क्या होता है 2/√3, इसको गुना करेंगे क्रॉस, तो h = आ जाएगा 200/√3। फिर अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर इतने के कोण पे झुका है, दो स्पर्श खींचा है, ये दोनों के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री, वो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई निकाले, तो स्पर्श रेखा क्या होती है, दोनों बराबर हो जाएगी, तो इसका हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो ये जो त्रिज्या होता है स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या होगा, लंबवत होगा, 90 डिग्री बनाएगा, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो हम इसको AO/PA कर सकते हैं, क्या होगा 10θ लंब बटा आधार 10θ, लंब दिया हुआ 3 सेंटीमीटर बाई PA निकालना है, ये PA को लू कितना हो जाएगा 3√3। फिर है नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, 52 तास की एक गति को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छिया एक पत्ता निकाला जाता है, इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता बताएं। तो दो तरह के पत्ते होते हैं, रेड और ब्लैक, 26 रेड 26 ब्लैक, तो इसमें क्या होगा, बादशाह, दो बादशाह इसमें, दो बादशाह इसमें, फिर 13 में बटे होते हैं, फिर ब्लैक काट कर यहाँ बोल रहा है प्रायिकता निकालने, वो भी बादशाह होना चाहिए, इसमें बादशाह 2 आएगा, टोटल कितने कार्ड में से, 52 तास में से, तो 2/52 कितना आ जाएगा, 1/26 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/26। फिर है 46 नंबर क्वेश्चन, sin 63/cos 27 है, तो sin 63 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो sin 90-θ क्या, cos θ भाई नीचे cos दिया हुआ, दोनों बराबर कट के 1 आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर द्विघात समीकरण x² + 1/6x - 2 के शून्यक होंगे, तो आप वैल्यू डाल के देख ले, ये डालिएगा तो नहीं आएगा 0, इसको डालने पर ये वैल्यू 0 आ रहा है, तो इसके शून्यक क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। ऐसे आप डिस्क्रिमिनेंट से प्रूव कर सकते हैं, ये वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर है 48 नंबर, समांतर श्रेणी 10 7 4, गैपिंग कितने का चल रहा है, इसका सार्वंतर -3 का, तो 30वां पद किसके बराबर होगा, 30वां पद का फॉर्मूला जानते हैं, t30 क्या हो जाएगा, a + n-1, n कितना है 30, d कितना है, इसमें से घटाएंगे तो -3 आएगा, तो t30 10 हो गया, ये 29 हो गया, -3 10×29×3 क्या 87 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 77 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा इसका आंसर। फिर 49 देखते हैं, 49 नंबर में दिया हुआ है 10θ दिया हुआ, 8/15 तो cosec थीटा होगा, 10θ दिया हुआ तो हम त्रिभुज से जानते हैं 10θ क्या होता है, p/b, तो जब ये 8 है, ये 15 है, ये 17, हम ट्रिपलेट से जानते हैं, ये तो आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, तो हमें cosec निकालना है, तो cosec क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 1 से 100 तक पहले नंबर देखेंगे कितने होंगे, 100 होंगे, तो हमें क्या निकालना है, इसका सम, सम का फार्मूला क्या होता है, n/2 यानी 100/2 2a 2×a, ए इसका कितना है 1 होगा पहला पद, फिर n-1 n कितना है मेरा 100 n-1, d कितना होगा इसका अंतर, 1-1 का अंतर चल रहा है d1, फिर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/2 50, फिर 2×1 2 29, 100 में से गया 98 99, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा 50 50। फिर है
51 नंबर, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या जो किसी से भाज्य नहीं हो, डिवाइड नहीं हो, तो 23 हो जाएगा। फिर है 1 + 10 + sec थीटा, फिर मल्टीप्लाई में है 1 + cot - cosec थीटा। इसको अगर आप साइन कॉस में तोड़िएगा तो 10 को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, कॉस सेक को लिख सकते हैं 1 / cos, वैसे कॉट को माइनस सेक को लिखे, ये दोनों गुना कर लेंगे तो गुना करके आपको कट कितना आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। आप इसे पूरा कंप्लीट कीजिएगा। फिर यदि एक वृत्त की 53 नंबर, एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़ गया, कितना हो गया 4π, यानी 2 गुना बढ़ा, तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो क्षेत्रफल पहले परिधि देखिए, 2 गुना बढ़ा तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 4 गुना, क्योंकि यहाँ पे रेडियस का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, त्रिज्या का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर 54 नंबर करते हैं हम। 54 है, निम्न में से मूल बिंदु के नियामक है, तो मूल बिंदु किसे कहते हैं? 0 0। फिर 55 नंबर हो जाएगा, x = -5 का आरेख कैसी सरल रेखा होगी? तो -5 का क्या होगा, 0 से -5, यानी y एक्सिस के क्या होगा, y एक्सिस के ये पैरेलल होगा, समानांतर होगा, तो ये क्या होगा, y अक्ष के समानांतर, 55। फिर 56 नंबर है जो दिया हुआ है, -10 -6 -2 2 कहाँ 34 तक में पदों की संख्या निकालनी है, तो आखिरी पद कितना दिया हुआ है, 34, यानी tn दे दिया 34। तो tn का फॉर्मूला जानते हैं, a कितना है पहला पद -10, n-1 × d कितना है इसका, अंतर निकालिएगा 4 आएगा। फिर ये 10 इधर जोड़ दिए 44, n-1 × 4, 4 से इसको क्या किए हम, भाग दे दिए, 11 आ गया, फिर 1 जोड़ दिए 12 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर 57 नंबर क्वेश्चन है, 6 - 5 का एक्स निर्देशांक है, तो एक्स नियामक होता है ये वाई नियामक, तो एक्स क्या है मेरा 6 है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद यह दिया हुआ है, इसको तोड़ेंगे तो क्या 2x², फिर इससे गुना करेंगे -5x - 3 के शून्य का योग होगा, तो इसको गुना कर लेंगे तो ऐसे आ जाएगा 2x² - 5x - 3। तो इसको क्या, शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो हम जानते हैं x² - शून्यकों के योग (x + α - γ) यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग कितना है, इससे इससे कंपेयर करेंगे तो -5/2 है, तो यहाँ माइनस तो आइए दोनों में, तो 5/2 हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर 59 नंबर है, 1 2 3 कहाँ तक n पदों का सम बराबर होता है योग, तो 1 2 3 कहाँ तक n पद तक इसका सम होता है, फार्मूला n(n+1/2)। 60वां नंबर है, आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो बहुपद होने के लिए पावर बटे में होना नहीं चाहिए, या माइनस में पावर नहीं हो, या रूट के अंदर नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसका एक रूट किस में है, रूट में है x, ये पावर बटे में ये भी नहीं होगा, ये किस में, ये भी रूट में नहीं होगा, ये हो सकता है बहुपद, क्योंकि ये रूट जो है 2 पे है, x पे नहीं है, ये भी रूट किस पे है, 3 पे है, x पे नहीं है, तो ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे 60 क्वेश्चन डिस्कस किए जो सेकेंड पार्ट में ख़त्म हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट हो तो उसे कमेंट में लिख के बताएं, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।